Treatments for toothache or dental pain. 1. Pain killers. Number 2. Root canal treatment. Number 3. Extraction. 4. Deocclusion. Please elaborate on the best options to relieve pain through the above mentioned methods and treatment plans. Well, thank you. Today we are going to see the different treatment plans and options in order to reduce the pain of a patient, and that is too in the fields of dental pain or the pain related to the tooth and related structures. First of all, we have to know what is pain. Pain is any neurosensory message which is being transferred from the side of inflammation to the brain so that our brain can respond and indicate us that somewhere something is going wrong inside the body that is creating pain. Well, pain is a sign of inflammation. Pain is a sign that something is discomfortable in our body at a structure or a loci, in simple words. Now, if we speak in Hindi for this, dard, pain. पेन को हम लोग हिंदी में दर्द कहते हैं, और दर्द एक ऐसा अनुभव है जो किसी भी क्षतिग्रस्त एरिया को, किसी भी इन्फ्लेमेशन या सूजन को हमारे मस्तिष्क को इंडिकेट करता है सेंसरी नर्व एंडिंग्स के जरिए, यानी नस के जरिए। तो किसी भी क्षतिग्रस्त या सूजन भरे जगह को जब दर्द महसूस होता है तो हमारा ब्रेन बताता है कि किसी फलां फलां जगह पे दर्द हो रहा है, यानी वहाँ सूजन या किसी तरह का पैथोलॉजी या किसी तरह का चोट या किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव वहाँ पड़ रहा है। इस कंडीशन में हमारे पास जो आपने चार ऑप्शंस गिनाए हैं इन कंडीशंस ऑफ टूथ एक और या कह लें डेंटल पेन, दांत दर्द में हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है पेन किलर्स लेना। बहुत ही सिंपल और आसान रास्ता होता है। हम बाज़ार से जाकर एक अच्छा सा पेन किलर ले सकते हैं, जैसे कि पारासीटामोल हो गया या डिक्लोफेनेक सोडियम या डिक्लोफेनेक पोटेशियम का कोई कॉम्बिनेशन हो गया या अन्य कोई भी और पेन किलर हो गया, कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हो गया। उस तरह के पेन किलर्स को लेकर हम दर्द को शांत कर सकते हैं। जनरली हम कॉम्बिफ्लाम लेकर शांत कर लेते हैं। तो ये तो हो गया टेम्पररी रिलीफ जो कि इंस्टेंट रिलीफ देता है, किंतु ये हम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। अगर पेन बहुत दिनों तक कंटिन्यू कर रहा है, हम लोग दर्द से बेचैन हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं और दर्द ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उस कंडीशन में हम लोगों को पेन किलर्स ज़्यादा खाने की अनुचितता होती है। हम लोग अगर ज़्यादा पेन किलर्स लेंगे तो वो हमारे ब्रेन, हमारे लिवर पे इफ़ेक्ट करेगा, किडनी पे इफ़ेक्ट करेगा और हमारे अदर ऑर्गन सिस्टम्स पे इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग पेन किलर्स नहीं खा सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पे जिसका आपने जिक्र किया है, एंड दैट इज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। Root canal treatment is a procedure which I have explained earlier also in my videos that it is a procedure to cure the nerves present inside the tooth in the pulp. So, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि क्या दांत का नर्व बचाने लायक है, क्या उस दांत को बचाने के conditions पूरे हैं, क्या उस दांत की स्थिति ऐसी है कि हम उस पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकें। इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस एक डेंटिस्ट बना सकता है जो आपका दांत का एक्सरे करके ये बताएगा कि उस दांत का कंडीशन कैसा है, उसकी आरसीटी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, उस दांत को बचाया जा सकता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के जरिए या नहीं बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले एक अच्छा डायग्नोसिस होना सबसे ज़रूरी और सबसे अहम होता है, जिसके लिए आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना होगा और वहाँ पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में आप आराम से देख सकते हैं एक्सरे में कि वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जा सकता है और दांत को बचाया जा सकता है या नहीं बचाया जा सकता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बहुत ही अच्छी टेक्निक आई है जिसके ज़रिए
दांत के नस का इलाज किया जाता है। दांत में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक जड़ का हिस्सा होता है और एक सिर का हिस्सा होता है, जिसको हम लोग क्राउन कहते हैं और जड़ के हिस्से को रूट कहते हैं। तो पल्प जो होता है वो क्राउन से लेकर रूट के अंत तक मौजूद होता है। क्राउन में जो पल्प होता है उसको पल्प चैम्बर बोला जाता है और रूट में जो मौजूद होता है उसको पल्प कनाल बोला जाता है। तो रूट में जो पल्प कनाल होता है उसी को हम लोग स्टिरपेट करके और उसके अंदर एक आर्टिफिशियल मटेरियल होता है गत्ता पर्चा, उसको डालकर दांत को बचा लिया जाता है। और उसके बाद फिर दांत में कैप, क्राउन एक्सेट्रा अदर प्रोसीजर्स करके उस क्राउन को मजबूती दी जाती है। इस प्रोसीजर को रूट कनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिससे कि आप दांत दर्द से निजात पा सकते हैं पूरी तरह से और आपका दांत सुरक्षित रह सकता है। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है एक्सट्रैक्शन, यानी कि दांत को निकाल देना। अगर आपका दांत किसी भी परिस्थिति में अब बचाने लायक नहीं बचा है, कोई भी कंडीशन ऐसा आ रहा है जिसके वजह से आप उस दांत को बचा नहीं सकते हैं और आप दर्द से बेचैन हैं, उस कंडीशन में आपको दांत को निकाल कर फेंक देना उचित होगा, अन्यथा उससे अन्य बीमारियां और अन्य दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जो चौथा ऑप्शन आपके पास बचता है वो है एक्सट्रैक्शन, दांत निकाल देना। वो भी आप एक अच्छे डेंटिस्ट, क्वालिफाइड डेंटिस्ट से ही करवाएं। वहां पर आपको काफी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत ही साफ सुथरा माहौल मिलेगा, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे और आपके दांत को एक सही टेक्निक से उखाड़ा जाएगा, जो कि सुन करने की दवा के अंदर में उखाड़ा जाता है, जिसको लोकल एनेस्थीसिया कहा जाता है। उसके अंदर में वो दांत निकाला जाता है जिसमें कम से कम दर्द हो। उसी तरह आपके पास चौथा ऑप्शन होता है डी ऑक्लूजन का। बहुत बार हम लोग जल्दबाजी में ऐसा ऑप्शन चाहते हैं जिससे कि दांत का दर्द टेम्पररी रिलीफ मिल जाए। उसके लिए हम लोग ना तो RCT करवाना चाहते हैं और ना ही दांत उखड़वाना चाहते हैं, ना हम पेन किलर्स खाना चाहते हैं। उस कंडीशंस में भी आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। आपका दांत का जो हाइट होता है उसको डेंटिस्ट कम कर देंगे और जिसके कारण आप ऑक्लूड नहीं कर सकेंगे और उस दांत पे जोर कम पड़ेगा और आपको आराम मिल जाएगा।